माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, कल 20 अगस्त को एक दिवसीय हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका ये प्रवास पूरी तरह से जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं, यानी भारी बरसात के कारण अनेक स्थानों के ऊपर जो भयावह स्थिति पैदा हुई है उसको अवलोकन करते हुए और प्रशासन से चर्चा करने हेतु ये एक दिन का प्रवास रखा है और 3-4 स्थानों के ऊपर वो अवलोकन हेतु जाएंगे और शिमला में और बिलासपुर में 2 स्थानों के ऊपर वो प्रशासन के साथ सारे विषयों के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी 5 मिनट पहले ये टूर प्रोग्राम जारी हुआ, मैं उसी की इंतजार कर रहा था। कल प्रातः 9 बजे आदरणीय नड्डा जी पौंटा साहब पहुंचेंगे और हमारा जो 57 का हवा हेलीपैड है, या कहें उसको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टॉन, वहां पर लैंड करेंगे। वहां से कच्ची घाटी में हो रहा जो नुकसान है उसका अवलोकन करेंगे, सिरमौरी ताल में जो बादल फटा है उसका अवलोकन करेंगे और वहां पर प्रभावित व्यक्तियों से मिलेंगे। तत्पश्चात वापस निकल जाएंगे और प्रातः 11 बजे से पहले वो शिमला पहुंचेंगे। शिमला में शिवपाड़ी में जो मंदिर ध्वस्त हुआ और बहुत ही दुखदायी स्थिति जहां पर है, 16 शव वहां बरामद हो चुके हैं, वहां पर वो जाएंगे और उस स्थल को देखेंगे। तत्पश्चात जो हमारा कृष्णा नगर के क्षेत्र में भवन गिरे हैं उन भवनों को बाईपास से अवलोकन करने के बाद पीटरहॉफ में आएंगे, जहां अधिकारियों के साथ उनकी विस्तृत चर्चा होगी। तत्पश्चात वहां से वो बिलासपुर जाएंगे और बिलासपुर में प्रशासन के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद वो वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। ये उनका जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी उनके साथ रहेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री जयराम ठाकुर जी, मैं स्वयं, हमारे आदरणीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, इस प्रकार अनेक लोग उनके साथ उस प्रवास में रहेंगे और स्थानीय कार्यकर्ता और प्रशासन उनको वहां पर रिसीव करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता को पूरी तरह से परिलक्षित करता है। पहले भी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी कुल्लू, मंडी, मनाली वो स्वयं गए थे, उसका जायजा लिया, उसकी रिपोर्ट उन्होंने केंद्र को दी, उनकी रिपोर्ट के आधार के ऊपर आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी उनका प्रवास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग्स को लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर के उन्होंने प्रवास किया और हर प्रकार से 4-लेन नेशनल हाईवेज और नेशनल हाईवेज को ठीक करने की उन्होंने प्रतिबद्धता व्यक्त की और कार्य तेज गति से शुरू किया। तत्पश्चात अब दोबारा से श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का एक दिवसीय प्रवास हिमाचल प्रदेश का, इस जो 72 घंटे में हुए नुकसान है उसके आंकलन हेतु, उसका जायजा लेने हेतु हो रहा है। इतनी सूचना मैंने आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश को दी। अब इसमें अपने दोबारा से खड़े होके बात।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।